तो अगर मैं 30+ हूँ तो मुझे क्या विमेंस हॉर्लिक्स लेना चाहिए? अगर आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है तो आपने बहुत ही सही जगह पे ट्यून इन किया है, और आज का जो वीडियो है ये आपके इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला है, क्या विमेंस हॉर्लिक्स आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे काय केम छो, दिस इज मधुलिका सिंह एंड यू आर वॉचिंग योर वुमनिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर वुमनिया। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कैल्शियम के ऊपर होने वाला है और स्पेसिफिकली विमेंस हॉर्लिक्स के ऊपर होने वाला है। तो मैं एड्स देख रही थी विमेन हॉर्लिक्स के, और वो बताते हैं कि 30 के बाद, क्योंकि विमेन में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, तो यू नीड अ सप्लीमेंट, विच इज ट्रू, और आपको विमेंस हॉर्लिक्स लेना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में ज़रा रिसर्च किया जाए, और अगर ये अच्छा प्रोडक्ट हो तो क्यों ना अपने डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल भी किया जाए। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, और मुझे रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स मिली। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी ये फाइंडिंग्स आज शेयर करती हूँ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, देखिए ना ही मैं कोई फिजिशियन हूँ, ना ही कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, ना ही कोई डाइटिशियन हूँ, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज देने वाली हूँ, दिस इज जस्ट ऑन बेसिस ऑफ रिसर्च व्हाट आई हैव डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो जो इंग्रेडिएंट्स विमेंस हॉर्लिक्स में डाले गए हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन इंग्रेडिएंट्स में है वीट माल्टेड बार्ली, वीट माल्ट, मिल्क सॉलिड्स, मेल्टेड ऑक्सट्रिन, मिनरल्स, आयोडाइज सॉल्ट, नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, विटामिन्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब जो सबसे पहली चीज मुझे इस इंग्रेडिएंट लिस्ट में, जिस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया, दैट वाज आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें शुगर नहीं डाला है स्वीटनेस के लिए, तो यू कैन से कि कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए बनाया गया है, एक मेरे मन में ख्याल ये आया। लेकिन दूसरा ख्याल ये भी आया कि कौन सा फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला है इन्होंने। इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला है इन्होंने। फिर उसके पास में मुझे एक कोड दिखा, वो कोड में लिखा था INS950। अब जब मैंने ये कोड टाइप किया ऑन गूगल, तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर का फॉर्म इसमें डाला है उसका नाम आ गया, और वो आर्टिफिशियल स्वीटनर का जो फॉर्म है उसका नाम है AC सुफ्ले पोटेशियम। नाम से ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। अब AC सुफ्लेम पोटेशियम क्या है? ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि चीनी से 20 गुना ज्यादा स्वीट होता है, इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। और अगर आप FDA के अप्रूवल देखें तो FDA कहता है कि अगर इसको आप एक सीमित मात्रा में ले, जैसे कि 15 mg से एक्सीड ना करें, तो ये आपके हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। पर कुछ रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि प्रेग्नेंट वुमेन माइट हैव सम रिस्क्स, तो उनको अवॉइड करना चाहिए ये टाइप ऑफ स्वीटनर। तो जो दूसरी चीज ने मेरा अटेंशन ग्रैब किया वो था माल्टोडेक्सट्रिन नाम से एक सब्सटेंस इंग्रेडिएंट जो विमेंस हॉर्लिक्स में डाला गया है। अब जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये थिकनिंग एजेंट है। थिकनिंग एजेंट का मतलब जब आप इसको दूध में डालेंगे तो जरा सा थिकनेस नहीं आ जाता दूध में, वो करने का काम करता है। अब ये कहाँ से आता है? ये आता है या तो वीट से, या तो राइस से, या तो कॉर्न से, या तो पोटैटो से। उनके जो स्टार्च होते हैं उसको ये लोग बहुत ज्यादा रिफाइन करते हैं, और तब जाके आपको एक वाइट पाउडर मिलता है जिसका नाम होता है माल्टोडेक्सट्रिन। अब ये माल्टोडेक्सट्रिन क्या करता है? सबसे पहली बात, ये थिक करता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? सबसे पहली बात तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है दैट इज 106 to 136, विच इज इक्विवेलेंट टू सुक्रोज और शुगर। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन शॉर्ट क्या है आपको बता देती हूँ। अगर कोई भी फूड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा तो वो आपके ब्लड शुगर को शूट अप करेगा बहुत ज्यादा। तो जिनको डायबिटीज है उनको ऐसे फूड खाने चाहिए जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, तो ये डायबिटिक लोगों के लिए ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप ये इंग्रेडिएंट देखें तो इसका जो कैलोरी कंटेंट है दैट इज इक्विवेलेंट टू शुगर एंड सुक्रोज। तो जो इन्होंने शुगर निकाला और आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला है उसमें, उसकी कमी ये एक इंग्रेडिएंट पूरी कर दे रहा है। तो FDA कहता है कि इट इज रिकमेंडेड, ये कुछ खराब नहीं करेगा, आप ले सकते हो आप इसको अपने डाइट में। पर अगर आप डायबिटिक हो, अगर आप वेट मैनेज करना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि आपका ब्लड शुगर लेवल्स
बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे तो ये इंग्रेडिएंट आपके लिए नहीं है। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके जो गट के अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उसको भी कभी कभी हार्म पहुंचा सकते हैं, तो ये दो साइड इफेक्ट्स है इस इंग्रेडिएंट के। उसके अलावा इसमें मॉल्टेड बार्ली है, वीट मॉल्ट है और मिल्क है। तो अगर आप कोई ऐसे डाइट में हैं जो ग्लूटेन फ्री है, वीगन हो अगर आप, और अगर आप एक लो कार्ब डाइट कर रहे हो, तो आई थिंक सो ये आपके डाइट में हिंड्रेंस पहुंचा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अब चलिए इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देख लेते हैं कि अगर आप एक स्पून या 30 ग्राम जो कि इनका रिकमेंडेड डोजेज है वो विमेंस हॉर्लिक्स लेते हैं तो आपको क्या क्या न्यूट्रिशन मिलते हैं उससे, और हम उसको कंपेयर करने वाले हैं विथ अ सप्लीमेंट विच आई टेक, एंड आई टेक दिस कैल्शियम सप्लीमेंट फ्रॉम सिप्ला विच इज कॉल्ड सिपकैल। तो सबसे पहली चीज है कैल्शियम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस वजह से हम विमेंस हॉर्लिक्स ले रहे हैं। तो अगर आप 30 ग्राम्स ऑफ विमेन हॉर्लिक्स लेते हो तो सिर्फ अगर पानी के साथ लेते हो तो आपको 300 mg कैल्शियम मिलता है एक स्कूप विमेंस हॉर्लिक्स से, और अगर आप एक टैबलेट सिपकैल की लेते हो तो आपको 500 mg कैल्शियम मिलता है। तो कैल्शियम कंटेंट एक बार के लिए इसमें जरा सा ज्यादा है, अगर आप दूध के साथ लोगे विमेंस हॉर्लिक्स को तो जरा सा कैल्शियम कंटेंट बढ़ जाएगा विमेंस हॉर्लिक्स का। अब विटामिन डी देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ कैल्शियम लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर विटामिन डी और विटामिन K2 नहीं होगा और मैग्नीशियम नहीं होगा आपके डाइट में तो आपका बॉडी कैल्शियम को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो कैल्शियम को वर्क करने के लिए यू नीड विटामिन डी, यू नीड विटामिन K2 एंड यू ऑल्सो नीड मैग्नीशियम इन योर डाइट। विटामिन डी की बात करते हैं तो अगर हम विमेंस हॉर्लिक्स की बात करें तो हमको एक स्कूप एक सर्विंग ऑफ विमेंस हॉर्लिक्स में 5.01 mcg विटामिन D3 मिलेगा, और अगर हम ये सिप्ला की सीकेल की टैबलेट लेंगे तो हमको एक टैबलेट में 6.25 mcg विटामिन D3 मिलेगा। तो इसमें विटामिन D3 भी ज्यादा है। अब इसका क्या डाउनफॉल है? इसका डाउनफॉल ये है कि इसमें ना ही विटामिन K2 है और ना ही इसमें मैग्नीशियम है। तो देखते हैं विमेंस हॉर्लिक्स में कितना K2 है। तो एक स्पून विमेंस हॉर्लिक्स में आपको 27.51 mcg विटामिन K2 मिलेगा जो कि इस टैबलेट में नहीं है। तो अब विटामिन K2 और कौन से सोर्स से मिल सकता है? तो अगर आप एक ही एग योक खाते हैं तो आपको 67 to 129 mcg विटामिन K2 मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट ऑफ विटामिन K2 है। अब विटामिन K2 एग के अलावा आपको चीज, चिकन, नॉन वेजिटेरियन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। तो अगर आप वीगन हैं तो आपको विटामिन K2 लेना जरा सा मुश्किल हो जाएगा और आपको सप्लीमेंट ही करना पड़ेगा विटामिन K2 का। प्रोटीन है तो इसके एक स्कूप के अंदर 4.5 grams ऑफ प्रोटीन है। इससे ज्यादा प्रोटीन आपको एक एग में मिल जाएगा, 6 grams ऑफ प्रोटीन मिलेगा अगर आप एक एग खाते हैं। अगर आप राजमा खाते हैं एक कटोरी तो आपको 9.5 grams प्रोटीन मिलने वाला है। छोले में आपको 8 grams के करीब प्रोटीन मिल जाएगा। तो प्रोटीन्स भी आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकते हैं, चिया सीड्स से मिल सकते हैं। अगर आप एक स्पून चिया सीड भी खाएंगे तो आपको 4 grams ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद है मैग्नीशियम, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल इन अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो इसका जो एक स्कूप है, जो इसका एक सर्विंग है विमेंस हॉर्लिक्स का, इसमें आपको 36.3 grams ऑफ मैग्नीशियम मिलता है। अब मैग्नीशियम के और कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? तो पंपकिन सीड, अगर आप एक सर्विंग ऑफ पंपकिन सीड खाते हैं तो आपको 156 mg ऑफ मैग्नीशियम मिल जाएगा आपके डाइट में। चिया सीड में 111 mcg मैग्नीशियम है, आलमंड्स में 80 mcg मैग्नीशियम है, और अगर आप राजमा भी खाते हैं तो उसमें भी आपको 35 mg ऑफ मैग्नीशियम मिल जाए। उसके बाद इसमें है विटामिन सी, जिंक, कार्ब्स, फैट। अगर हम कार्ब्स की बात करें तो इसके एक सर्विंग में 20 grams ऑफ कार्ब है। फिर देखते हैं कैलोरीज, तो कैलोरीज की बात करें तो बहुत डिसेंट कैलोरीज है, एक स्कूप में 180 कैलोरीज आपको मिल जाएंगी। तो ये तो रहा न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में। तो अब बात करते हैं प्राइस की। तो अगर आप 400 grams का डिब्बा लेंगे विमेंस हॉर्लिक्स का तो वो करीबन 250 rupees का आपको मिलता है। अब उसके पैकेट पे ये लिखा है कि दे रिकमेंड कि आप 2 बार विमेंस हॉर्लिक्स पिए दिन में। तो अगर आप इसको 2 बार पीते हैं तो 60 grams आपको एक दिन में पीना है विमेंस हॉर्लिक्स, और अगर आप 60 grams एक दिन में पिएंगे तो ये एक डिब्बा आपको 10 से 15 दिन चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलने वाला है।
अब इस टैबलेट की बात करते हैं जो कि मैं विटामिन D3 की लेती हूँ। ये जो एक पत्ता है टैबलेट का, ये 75 रुपीज का आपको केमिस्ट के पास मिल जाएगा और ये भी आपको 15 दिन सफाइस करेगा क्योंकि इसको आपको एक दिन में एक बार लेना होता है। अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो विमेंस हॉर्लिक्स जरा सा एक्सपेंसिव है अगर हम इसको ये सिप्ला वाली विटामिन डी के साथ कंपेयर करें। हाँ, पर उसमें कुछ मिनरल्स और ज़्यादा इंक्लूडेड है जो कि आप अलग आपके डाइट में से ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद था वो ये नहीं था कि मैं विमेंस हॉर्लिक्स को बैश करूं या आपको कहूं कि आप विमेंस हॉर्लिक्स ना ले, ये बिल्कुल भी मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जब मैं रिसर्च कर रही थी, मुझे जो चीज़ें पता चली वो मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप कस्टमर हैं और आप बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या चूज़ करना है। आपको विमेंस हॉर्लिक्स पीना है या आपको सप्लीमेंटेशन करना है कैल्शियम की फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स। हाँ, कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन आफ्टर 30 करना इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारी बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम ही होते जा रही है एंड वी नीड अ गुड सप्लीमेंट। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको दूसरे वीडियो में जल्द ही मिलूंगी, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।